Hello students, welcome to this class of question 3 subject moral value chapter 1. We have studied the chapter in the previous class. In this class we shall learn some question answer of this chapter. पिछली कक्षा मैंने आप लोगों को यह चैप्टर पढ़ाया था, इसका वर्ड ओपनिंग करवाया था. आज मैं आप लोगों को इस चैप्टर का मतलब चैप्टर 1 जो है काउंट योर ब्लेसिंग के क्वेश्चन आंसर को करवा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई शुड यू बी ग्रेटफुल फॉर द फूड यू हैव. हमारे पास जो भोजन है इसके लिए हमें आभारी क्यों रहना चाहिए. आंसर है सो मेनी पीपुल इन द वर्ल्ड डोंट गेट फूड टू ईट एंड वाटर टू ड्रिंक. वी शुड बी ग्रेटफुल बिकॉज वी आर लकी टू गेट फूड एंड वाटर. बहुत से ऐसे लोग दुनिया में हैं जिसे कि खाना खाना तो मिलता है, पीने के लिए पानी भी नसीब नहीं होता है, और हम लोग लकी हैं, हम लोग भाग्यशाली हैं कि हमारे पास भोजन और पानी दोनों है. इसलिए हमें आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमारे पास दोनों चीजें भगवान ने हमें दी है. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट विल हैपन इफ यू कीप लॉन्गिंग फॉर थिंग्स. अगर कोई वस्तु आपके पास बहुत समय तक रह जाती है तो इससे क्या होता है या इसका क्या असर होता है. तो आंसर है इफ वी कीप लॉन्गिंग फॉर थिंग्स ग्रेजुअली वी विल बिकम ग्रेडी. अगर हमारे पास कोई वस्तु बहुत समय तक रह जाती है तो इससे क्या हो जाता है, हम उसके आदि हो जाते हैं, हमें उसकी आदत पड़ जाती है और हम लालची हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन यू यूज योर माउथ वेल. अपने मुंह का प्रयोग जो है तुम अच्छे से कैसे करोगे. आंसर है वी शुड नॉट स्पीक अनकाइंड वर्ड्स. हमें जो है हमें कभी भी जो अपशब्द नहीं कहना चाहिए या खराब शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 4, हु शुड यू थैंक एवरी डे. हमें किसे प्रतिदिन धन्यवाद देना चाहिए. आंसर है वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स दैट ही हैज गिवन अस. हमें हमेशा भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे पास जितनी भी चीज़ें उन्होंने दी है इसके लिए हमें हमेशा ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए और धन्यवाद कहना चाहिए. इन द लास्ट राइट डाउन द लेसन यू लर्न इन द लाइन. आपको एक लाइन में लिखना है कि आपने इस लेसन से क्या शिक्षा, आपको क्या शिक्षा मिली, आप क्या इससे सीखते हैं. आंसर है आप अपने शब्दों में भी इसे लिख सकते हैं. वी शुड ऑलवेज बी हैप्पी एंड थैंक गॉड फॉर ऑल द थिंग्स दैट ही हैज गिवन He has met for us. हमें भगवान ने हमारे लिए जितनी भी चीज़ें बनाई हैं, जो भी चीज़ें प्रदान की है, निर्माण किया है हमारे लिए, इसके लिए हमें हमेशा भगवान का शुक्रिया करना चाहिए, उन्हें थैंक्स करना चाहिए. थैंक यू.